गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, मैंने क्लीजिंग टॉनिंग मॉइस्चराइजिंग कर ली है और हमारा जो कंसीलर का थ्योरी था वो पूरा हो चुका है। और आज हम देखेंगे कि हम कंसीलर अप्लाई कैसे करेंगे हमारे फेस पर। तो आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखिए, मैंने क्लीजिंग टॉनिंग और मॉइस्चराइजिंग कर ली है। मैंने यूज़ किया है ये मिलानी का प्रैप एंड स्मूथ ऑयल, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये मैंने यूज़ किया है। और इसके बाद में हम करेंगे हमारी करेक्टिंग। अब आप देख सकते हैं मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, अंडर आई डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं, पिगमेंटेशन भी है, ये देखिए नोज पर थोड़े से ये मार्क्स हैं और ये हैं। तो इनको हम कैसे कवर करेंगे वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसके बाद में मैंने लिया है क्रायलोन की डर्मा पैलेट से D30। ये देखिए थोड़ा ऑरेंजिश कलर है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये वाला हम यूज़ करेंगे क्योंकि मेरे डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा है, पिगमेंटेशन है, प्लस अंडर आई डार्क सर्कल है। तो हम यूज़ करेंगे ये वाला शेड। मैंने ब्रश लिया है PAC का K06 नंबर, और इसमें से हम प्रोडक्ट लेंगे। और उसके बाद में हमें डैब डैब, आप देखिए टेक्निक पर फोकस कीजिएगा कि हम कैसे करते हैं। ये देखिए, जहाँ भी हमारे डार्क स्पॉट हैं, डार्क पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए मेरी आईज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, तो हम वहाँ भी इसको थोड़ा अप्लाई कर लेंगे, इससे हमारा आई मेकअप बहुत इन्हेंस होगा। मैंने लिप्स पर भी हम कैसे हमारा लिप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर है निशान, यहाँ भी मैं यूज़ कर लूँगी। मेरे ये मार्क्स पिगमेंटेशन के नहीं हैं, ये मेरे ब्लू पर्पल कलर के ही हैं, तो उसके लिए मैं यही वाला करेक्टर यूज़ करूँगी। प्रोडक्ट हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस बहुत बहुत ही थिन लेयर हमारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भी हमें अप्लाई नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा हमने फेस पर लगा दिया, क्योंकि बहुत मोटी लेयर बनने से मेकअप कैकी हो जाता है। और जब भी आप करेक्टर करते हैं, कभी भी आपको इसको भी पाउडर से सेट नहीं करना। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत लोग बताते हैं इसको पाउडर से सेट करना है, बट हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको हम पाउडर से सेट करेंगे तो हमारे मेकअप का लुक केकी हो सकता है। इसलिए जब भी हम लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसके बीच में हमें कोई भी पाउडर की लेयर नहीं देनी है, क्योंकि अगर उसके बीच में हम पाउडर की लेयर देंगे तो हमारा मेकअप केकी हो जाएगा। उसके बाद में हम इसको ब्लेंड करेंगे। देखिए, ब्लेंड जब हम इसको करेंगे तो बिल्कुल हमें उस पर पुट करना है हमारे ब्लेंडर को, लाइक दिस। हमें स्वाइप नहीं करना है, क्योंकि अगर हम स्वाइप करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट हमारी प्रॉब्लम की जगह से हिल जाएगा और वो हमारी प्रॉब्लम को कवर नहीं करेगा। ये देखिए, प्रॉब्लम हो अगर तो आप ग्रीन करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ब्लेंडर से ही यहाँ पर हल्का सा प्रोडक्ट अप्लाई कर दूँगी, यहाँ पर थोड़ी टैनिंग है। तो आप देख सकते हैं मेरा चेहरा कैसा लग रहा है भूत के जैसा।
मैंने इसमें यूज़ किया है, जैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसमें कवरेज की बात की थी, इसका बहुत ही लाइट कवरेज है, बहुत फुल कवरेज नहीं है इसका। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप देख सकते हैं हमने करेक्टिंग कर ली है, और हमने बहुत लाइट करेक्टिंग की थी, बहुत ज़्यादा नहीं की थी, बट फिर भी आप देख सकते हैं बहुत हद तक मेरे पिगमेंटेशन, हमारे डार्क सर्कल सब कुछ छुप चुके हैं। और अगर आपको नाइट में कहीं जाना है, डे में तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको प्रोडक्ट भी उतना ही देना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा करेक्टिंग डे में हमको अवॉइड करनी है, लेकिन अगर आपको नाइट में कहीं जाना है या ब्राइडल रेडी कर रहे हैं तो आप फिर अच्छे से करेक्टिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आज का हमारा लुक। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।